हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, जो है आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको झालर जो है किस कितने परसेंट प्रॉफिट पे जो है बेचना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, उसका जो है सारा कुछ जो है आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि जितने भी हमारे नए दुकानदार भाई हैं, बहुत सारे पुराने भी दुकानदार भाई हैं जिन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि जो है झालर में हम जो है कितना परसेंट प्रॉफिट रख के जो है सेल करें, ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं सबको जो है परेशान करती है। तो आज इन तमाम जो है कन्फ्यूजन को जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो इसी वजह से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अभी लाइक मत करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ वीडियो आपके काम की है, आपको पसंद आए, तब जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब जो सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि आप इस दीपावली जो है झालर को जो है कितने परसेंट प्रॉफिट पर जो है सेल करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि झालर जो है ये इलेक्ट्रिक लाइन का एक कच्चा आइटम कह लिया जाए तो होता है। कच्चा आइटम जो है मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे यार कच्चा आइटम तो जो है सिर्फ फल और सब्जियों में होता है, मतलब जो सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं उनको जो है कच्चा आइटम कहते हैं। ये जो है झालर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कच्चा आइटम कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं सबसे पहले जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आखिर जो है झालर को मैं कच्चा आइटम क्यों कहूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झालर साल में सिर्फ जो है दीपावली के टाइम में बिकता है, मतलब 365 मतलब एक साल में जब दीपावली आती है तभी जो है झालर की डिमांड होती है। उसके अलावा मुझे लगता है कि कभी मतलब बीच बीच में कभी किसी के वहाँ फंक्शन हुआ, कोई मतलब ऐसा मतलब कुछ फंक्शन हुआ तो, या जैसे शादी हो गई या इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हुए तो बहुत ही शौकीन है तो वो आपके वहाँ आ जाएगा झालर जो है, हो सकता है कि मतलब ख़रीदने के लिए, नहीं तो जो है बहुत ही मुश्किल के जो है ग्राहक पूरे साल में जो है कभी एक दो ग्राहक मिल पाते हैं, वो भी सबको नहीं मिल पाते हैं, किसी किसी को एक दो ग्राहक कभी मिल गए कि हाँ मुझे झालर चाहिए। उसके अलावा आपको जो है कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि जो झालर इस समय जो है आप परचेजिंग किए हैं, अगर वो झालर अगर आप दीपावली में जो है नहीं बेच पाए तो वो झालर आपको जो है एक साल बचा के रखना पड़ेगा। बचा के रखने का मतलब ये है कि जो चीज़ें जो है फिर ज़रूरत नहीं पड़ती तो उन्हें बहुत ही हिफाजत से रखना पड़ता है, गत्ते वगैरह में बांध दिया, मतलब ऐसे जगह रखना पड़ता है जहाँ पे चूहे ना लगे, कीटनाशक ना लगे, जिससे हमारा जो है झालर ख़राब ना हो, क्योंकि चूहा अगर घुस गया तो पूरी पूरी झालर का सत्यानाश कर देगा। तो जब सत्यानाश कर दिया तो समझ लीजिए ख़राब हो गया, और जो चीज़ ख़राब होगी उसको कच्चा ही माल कहा जाएगा। अगर हम बचा लिए तब तो ठीक है, नहीं बचा पाए तो उसका जो है पूरा पूरा मामला ख़त्म, वो टोटली जो है आपका हो गया लॉस। तो यही कारण है जो है मैं कच्चा माल उसको बोला हूँ। अब इसके अलावा चलिए जो हम बात करते हैं कि झालर को जो है कितने परसेंट पे हम लोगों को सेल करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो परसेंटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस परसेंटेज पे मैं नहीं बेचता हूँ, और मैं अपना परसेंटेज जो है आप लोगों को शेयर भी नहीं करूँगा। बस ये है कि आपको बताऊँगा कि कितने परसेंट पे बेचना चाहिए, क्यों बेचना चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ जो है आज मतलब मैं क्लियर कर दूँगा। लेकिन आप ये मत पूछिएगा कि सर जो है आप अपना जो है क्यों नहीं बताएं, उसके बारे में जो है मैं आपको बता दूँगा वीडियो के अंदर ही क्यों नहीं मैं अपना बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ कि जैसा कि मैं बता दिया हूँ कि साल में सिर्फ दीपावली के टाइम में झालर बिकता, मान के चलिए ये दीपावली के टाइम में 2 से 3 दिन का बिजनेस होता है। हम लोग झालर स्टॉक करने के लिए कर लेते हैं 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना पहले ही स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम में बिक्री मतलब होती नहीं है। कभी कोई एकाध ग्राहक आगे आ गया, अभी जैसे कि 10 दिन हो गया मुझे झालर परचेज किए हुए लगभग, और अभी तक मतलब लगभग अभी 2-3 झालर या 4 झालर इससे ज़्यादा नहीं बिका होगा 10 दिन में, ठीक है, और वो भी 10 दिन में नहीं, मतलब 1-2 झालर शायद कल बिकी थी, 1 झालर या 2 झालर बिकी हो, 1 झालर उसके पहले बिका था, 1 झालर शायद आज बिका, इसी तरह से 3 ही 4 झालर बिका होगा। जब दीपावली से 2 से 3 दिन पहले मतलब जो बिक्री होती है झालर की वो बम्पर तरीके से होती है, वही उसी में जितना भी झालर हम बेच लिए और जो बच गया तो समझ लीजिए कि वो फिर एक साल के लिए हमें हिफाजत से रख देना है। तो जो दोस्तों, जैसा कि मैं इसके भी पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि जो सामान कम बिकते हैं उन पे जो है प्रॉफिट ज़्यादा रखा जाता है,
मतलब परसेंटेज ज़्यादा रखा जाता है प्रॉफिट का, और जो सामान ज़्यादा बिकते हैं उन पे प्रॉफिट जो है हम कम रखते हैं, परसेंटेज कम रखते हैं। तो ऐसे ही झालर भी है, झालर जो है 365 दिन में सिर्फ 2-3 दिन का जो है इसका बिजनेस है। तो इसमें आपको कम से कम, अगर आप झालर का जो है सेल कर रहे हैं तो कम से कम आपको 40% से 45% प्रॉफिट रख के आपको ग्राहक को बताना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यार 40 से 45% बहुत ज़्यादा हो गया, और अगर आप कस्टमर हैं दुकानदार नहीं हैं तब तो आप और चक्कर में होंगे कि यार बताओ जो 40-45% प्रॉफिट रख के लोग बेचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग नहीं बेचते हैं। जैसा कि अब मान के चलिए बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जैसे जो होलसेल वाली दुकानें, वहाँ चेक वगैरह का सिस्टम नहीं होता, वो माल उठाए दे दिए, अगला लेके गया, ख़राब निकला या कुछ भी हुआ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम जो बेचते हैं, ग्राहक को बेचते हैं, वो एक पीस ले जाएगा, 4 पीस ले जाएगा या 10 पीस ले जाएगा, वो एक एक झालर चेक करके ले जाएगा। अगर एक भी झालर जल नहीं रही है तो वो हमें वापस कर देगा, और अगर हम बिना चेक किए हुए दे दिए तब भी वो ले आके हमें वापस कर देगा, तो फिर वो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आगे से जो है उसकी कोई गारंटी नहीं मिलती है, कोई वापसी नहीं होती है। हाँ, चेक करके हम दे दिए यहाँ से दुकान से, ख़राब निकल गया तो उसको पहले ही बता देते भैया कोई गारंटी नहीं है, कोई वापसी नहीं है। लेकिन अगर काउंटर पे भी अगर ख़राब निकल गया तो तब भी कोई वापसी नहीं है, वो तो लॉस हमारा हुआ। तो अगर हम इतना प्रॉफिट जो है नहीं रखेंगे, अगर हम 5% या 10% प्रॉफिट रख के अगर झालर को बेचने लगें तो लास्ट में ऐसा होगा कि झालर जो ख़राब निकलती है उसका अगर हम लेस करेंगे तो पता चलेगा कि हम लॉस में चले जाएंगे। इस वजह से झालर पे 40 से 45%, हाँ अगर आप 100% श्योर हैं कि आपकी एक भी झालर ख़राब नहीं, टोटल झालर आप चेक कर लिए, तो आप 20% पे भी काम कर सकते हैं, 15% पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ख़राब निकल गई तो परसेंटेज आपको सीधी सी बात बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि इसी जो मैं बताया उसी चीज़ को फॉलो करके और आप नुकसान में पड़ जाएं। आप मार्केट भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में जो है क्या चल रहा है। अब मैं अपने वहाँ के मार्केट में अगर लगता है कि इतना परसेंट रखूं तो प्रॉब्लम होनी तय है। प्रॉब्लम किस तरह की, क्योंकि 12-14 दुकानें हैं, कंपटीशन का दौर है, पता चला 50 मीटर जो है मैं जिस रेट में बेच रहा हूँ अगला पता चला वो जो है मुझसे 50 रुपये कम में बेच रहा है, या 30 रुपये कम में बेच रहा है। मान लीजिए मैं अगर 40 रख लिया, हो सकता है वो जो है 30 रख ले या 25 रख ले। तो मुझे तो जो है यहाँ के मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा उस हिसाब से जो है मैं सेल करता हूँ। तो आप भी कोशिश यही करें कि आप अपने भी मार्केट का पता कर लें कि आपके मार्केट में जो है कितने परसेंट पे जो है लोग सेल कर रहे हैं, कितने मीटर की झालर कितने में बेच रहे हैं। हाँ, एक चीज़ का इसमें फ़ायदा ये होता है, जैसे कपड़े में कोई ब्रांड नहीं होता उसी तरह से झालर में कोई ब्रांड नहीं होता, इसमें भी सिर्फ मीटर का मैटर होता प्लस उसकी LED का मैटर होता, लेकिन LED ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीटर ध्यान देते हैं कि 50 मीटर का है, 40 मीटर का है, 35 मीटर का है, हाथ में लेंगे हाँ यार ये भी इसी तरह का है, इतने ही मीटर का है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो हमें एक चीज़ का तो फ़ायदा रहता है कि अगर कहीं अगर हम किसी झालर का अगर ज़्यादा बता भी दिए, मान लीजिए 40-45% के हिसाब से बता दिए, और अगर ग्राहक कह दिया कि यार फला जगह इतने में मिल रहा, हमने देख लिया कि यार हाँ इतने में देने के बाद भी हमारा कुछ बचत है, तो उसको घुमाइए मत, उसको बिल्कुल जो है आप दे दीजिए। मतलब कि घूमना नहीं चाहिए ग्राहक, भले ही आपको जो झालर के ऊपर जो है 20-30 रुपये मिल रहा हो, 25 रुपये मिल रहा हो, आप उसको दे दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देंगे और झालर अगर बच गई तो वो पैसा आपका जो है रुक गया। एक तो जो 20-25 रुपये मिल रहा था वो भी नहीं मिला, वो पैसा रुक गया, लास्ट में अगर वो झालर बच गई दीपावली के बाद तो समझ लीजिए कि 1 साल फिर आपको रखना है, 1 साल बाद ही फिर जो है वो बिकेगा, तब तक उतना आपका पैसा जो है होल्ड पड़ा रहेगा। और अगर बेच के आप निकाल दिए, पैसा आपके पास हो गया, तो उस पैसे का फिर माल लाएंगे, दूसरा माल लाएंगे, फिर बेचेंगे, उससे फिर पैसा कमाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, तो ये चीज़ें मतलब वो पैसा बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वो पैसा आपका झालर के रूप में फंस गया, पड़ा रह गया, तो वो पैसा तो 1 रुपया आपको देना नहीं है, अब आपको इंतज़ार करना है कि 1 साल बाद जो है जब फिर जो है दीपावली आएगी
उस टाइम इसको बेचेंगे, तब तक तो आपका पैसा होल्ड हो गया। और जो आज का रेट है, ऐसा नहीं है कि एक साल बाद जब बेचेंगे तो वो डबल होकर बिकेगा। कि अगर 300 में बेच रहे थे तो वो 600 में बिकने लगेगा, अगले साल भी जब आप बेचेंगे तो 300 रुपये में बिकेगा। या हो सकता है कि रेट अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो 350 हो गया या 330 हो गया, यही हो जाएगा। तो इतने से क्या मतलब है, लेकिन अगर वो बेच के आप निकाल दिए हैं कम ही प्रॉफिट में, तो अगले मतलब अगले मार्केट अगले साल तक जो है उस पैसे से आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर लिए रहेंगे, जितना जो है फंसा के रखे तो उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हर आदमी जहाँ से भी आप मतलब बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अपनी वीडियो जो है हर स्टेट से लोग देखते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, कोलकाता, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मतलब हर जगह से देखते हैं। तो आप सभी जो है अपने वहाँ के मार्केट में कोशिश करिए कि आप लोगों को पता चले कि जो है कौन सा दुकानदार किस रेट पे कितने मीटर की झालर बेच रहा है। हाँ, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हैं तो आप 40% या 45% प्लस करके ग्राहक को बताइए, वो ऑटोमेटिक कोई भी ग्राहक जो है आपको जो रेट आप बोले हैं वो देगा नहीं, वो कम कराता ही कराता है, अपना कुछ कम बेसी करेगा, कुछ कम बेसी करने के बाद वो झालर ले चला जाएगा। और अगर बिना कुछ कम बेसी मतलब कराए अगर ग्राहक जा रहा है तो आप उसे एक बार ज़रूर बुलाएं कि भाई जो सुनिए कितना देंगे इस झालर का, ठीक है। अगर वो सही रेट बताता है, मतलब जो रेट बताता है उसमें अगर आपका कुछ बचता है तो बोलिए नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ऐसे करके अगर बढ़ा देता तब तो ठीक है, नहीं बढ़ाता तब भी कोई मैटर नहीं है, अगर आपका कुछ बच रहा है तो उसे आप दे दीजिए, लेकिन उसे घूमने मत दीजिए। और एक चीज़ और है, बहुत सारे जो है मतलब आपके खरीद से भी कम बोल देंगे, खरीद से कम बोल देंगे तो आप अपना एक लास्ट दाम उसको बता दीजिए, मतलब जो आपकी खरीद है उसमें कुछ अपना प्रॉफिट रख के। अब कुछ का प्रॉफिट मतलब आप अपना समझ लीजिए कि कितना प्रॉफिट में आप दे सकते हैं उसको। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 रुपये आप उसे रख के दे सकते, 10 रुपया क्या मतलब निकलेगा, किराया भाड़ा साला जो है, सॉरी गाली निकल गया, किराया भाड़ा जो है देने के बाद मतलब किराया भाड़ा लगा के लेके आएंगे, उसके बाद दुकान का किराया भाड़ा, अपना जो है टाइम जो है दे रहे हैं, वो सब देने के बाद 10 रुपये अगर किसी सामान पे अगर बचता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर 300-400 सामान 10 रुपये रख के बेचे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि लास्ट टाइम है, अब ऐसा लगता है कि माल अब अगर आज नहीं बिका तो रुक जाएगा, तो वहाँ अगर 10-20 रुपये भी अगर मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ पे आप निकालते जाएं, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको फिर एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 40-45% रख के आप बताइए, बाकी ग्राहक तो आपको खुद बता देगा कि मार्केट में वो क्या रेट मिल रहा है। और बहुत सारे ग्राहक छोड़ भी बोलते हैं, जो झालर मार्केट में जो है 350 की होगी वो कह देंगे 250 में। अब आपको देखना है कि वो 250 में बता रहा तो 250 में हमारी खरीद भी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, आपको वैसे ही लग जाएगा कि झूठ बोल रहा है। क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं सबकी झालर के जो खरीद होती है 10-5 रुपये का फ़र्क आता है, कोई 10 रुपये सस्ता पा जाता है, कोई 10 रुपये महंगा पा जाता है, तो इतने में जो है इतने का फ़र्क नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आदमी नहीं समझ पाता, इसी वजह से जो भी आप लोग टॉपिक देते हैं मुझे उस टॉपिक को अच्छे तरीके से रिसर्च करता हूँ कि उसमें उसका जो है सोल्यूशन क्या है, या किस तरह से जो है आप लोगों को समझ में आएगा, उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। बस यही है, लिखता नहीं, अपने माइंड में ही रिसर्च करता हूँ और माइंड से ही जो है आप लोगों को जो है सारी चीज़ें बता देता हूँ। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, बताते बताते मैं नहीं बता पाता हूँ, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ। और यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से जो है नई नई टॉपिक मुझे देते रहें, जिन चीज़ों के बारे में भी आपको समझ में ना आता कि ये चीज़ें जो है कैसे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसे ही जो है कमेंट करते रहिए, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो हमेशा जो है अपने चैनल पे देता रहूँगा। तो अब जो है आपसे लेंगे अलविदा, लेकिन उससे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस रिलेटेड इसी तरह से वीडियो जो है मैं हमेशा इस चैनल पे आप लोगों को देता रहूँगा और बताता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर लें, मतलब इंस्टाग्राम पे भी मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं करेंगे समाप्त, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद।